नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक्सट्रीम टेक्निकल चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे घर में टूटे हुए ग्लास को जोड़ा जा सकता है। मैं जिस ग्लास की बात करने जा रहा हूँ, ये कोई नॉर्मल ग्लास नहीं है। ये ग्लास डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ ग्लास भी हो सकता है, ये ऑफिस टेबल पर रखा हुआ ग्लास भी हो सकता है, ये घर के सजावट के लिए यूज किया गया कोई महंगा ग्लास हो सकता है। सोचिए दोस्तों, अगर ये जो महंगे ग्लास है, अगर ये टूट जाए तो आप क्या करो। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे टूटे हुए ग्लास को आप जोड़कर पहले जैसा उसे बना सकते हैं, जो कि देखने में बिल्कुल नया जैसा लगेगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको ये मेथड आपको समझ में आएगा कि आप कैसे ग्लास को जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत। इसको चिपकाने के लिए सबसे पहले आपको जिस मटेरियल की जरूरत होगी वो होगा एरल डाइट। इसे आप हार्डवेयर की दुकान से खरीद सकते हैं, ये आपको 50 रुपए के आसपास में मिल जाएगा। अब आइए देखते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। जब आप इस पैकेट को खोलेंगे तब आपको इसमें से दो ट्यूब आपको मिलेंगे। तो इसको हम यहाँ से इसे खोलने के बाद आपको यहाँ पे छोटा सा होल करना पड़ेगा। तो आप कोई भी पिन ले सकते हो, आप उसकी मदद से इसमें होल कर सकते हो। ये एक साइड हो गया, अब एक साइड इसको लगाता हूँ क्योंकि उसमें का माल खत्म हो गया है। ठीक है, इसको हाथ से बना देना है और इसको भी फैला देना है। अब इन दोनों को आपस में चिपका देना है इसको इस तरीके से। बराबर नहीं है, अभी बराबर नहीं है। जैसे कि दोस्तों आप ये देख रहे हो, ये जो शीशा है ये पूरी तरह चिपक चुका है। आप इसे यहाँ से इस तरह उठा के भी देख सकते हो। ये देखिए, मैंने उसको उठा वहाँ से देखिए, ये मैंने पूरा उसको उठा दिया है, कहीं कुछ नहीं हो रहा। बस थोड़ा सा आप इसे गीले कपड़े से साफ कर देंगे तो इसमें आपको फिनिशिंग भी देखने को मिल जाएगा, जो कि अब इससे पता ये चलता है जो हमने एरल डाइट यूज़ किया था ये पूरी तरह काम करता है। कभी भी आप ग्लास को चिपकाइए तो उसको 24 घंटे या 48 घंटे के लिए आप उसे छोड़ दीजिए, तब आप उसे देखेंगे कि ये जो ग्लास है जिसे आपने चिपकाया वो पूरी तरह चिपक चुका होगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।